सच न्यूज आईना सच का, सिर्फ सच से करवाए रूबरू। सच न्यूज आईना सच का। हीरानगर के रहने वाले हैं हम, हीरानगर की बात करेंगे, बनी की, बसोली की, कठुआ की और बिलावर की हम बात नहीं करेंगे। जो हम अच्छे तरीके से जानते हैं वो हीरानगर के बारे में जानते हैं। हीरानगर की जनता जो इस बार जनता ने जो अपना माइंड बनाया हुआ है, हम चाहते हैं कि नया चेहरा चाहिए। कोई भी चेहरा होगा वो नया चेहरा होगा हीरानगर के लिए। जो भी होगा वो पढ़ा लिखा होगा, जो भी होगा कोई ब्यूरोक्रेसी ऑफिसर होगा जो हमारे लिए नौकरी छोड़े, हमारे लिए लोगों के लिए कोई काम करे। जो भी आज तक जो भी MLA रहे हैं उन्होंने कोई काम नहीं करवाया हुआ है। ऐसे जैसे अभी बरसात में जैसे डड्डू बाहर आते हैं जैसे मेंढक कहते हैं हमारे, और वैसे सभी जो MLA जो है जो बरसात में बाहर आ जाते हैं और अपना अपना एजेंडा लेके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम ये करवाएंगे। जैसे प्रेम जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे प्रेस क्लब जम्मू में, जैसे वो कह रहे थे हम मरीन में डिग्री कॉलेज देंगे। मरीन में डिग्री कॉलेज कैसे देंगे? जो हीरानगर में डिग्री कॉलेज बना हुआ है उसकी कोई फैसिलिटी अभी तक पूरी नहीं है। जो प्रोफेसर लगे हैं वो भी नहीं है, जो लैबें हैं कोई नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, कंटीन अभी बनी थी, ऑडिटोरियम पूरा कंप्लीट नहीं है। जब प्रेम जी जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हीरानगर की जनता अच्छी तरीके से जानती है। जब प्रेम जी MLA थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब उस समय चीफ मिनिस्टर थे और प्रेम जी किसी विषय में मिलने के लिए सेक्रेटरी उनके पास किए होंगे तो प्रेम जी ने उनको पाँव को छुआ और फारूक अब्दुल्ला साहब ने पूछा कि आप कौन? उन्होंने कहा कि मैं हीरानगर का MLA हूँ। उन्होंने कहा कि हीरानगर का MLA तो गिरीबान से पकड़ता, आप तो पाँव से पकड़ रहे हो। सबसे पहले सबसे सटीक देखते रहिए सच न्यूज आईना सच का।